गुड मॉर्निंग टू ऑल. हमारा आज का टॉपिक है इंस्पेक्शन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस. ट्रांसमिशन लाइंस ट्रांसमिट करती हैं इलेक्ट्रिकल पावर को एक जगह से दूसरी जगह पे. फॉर एग्जांपल जनरेटिंग स्टेशन से सब स्टेशन तक और सब स्टेशन से आगे रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स तक. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंस्पेक्ट ओवरहेड लाइंस ऑन रेगुलर बेसिस. ड्यूरिंग पेट्रोलिंग और इंस्पेक्शन जो भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसको पेट्रोलिंग रजिस्टर में नोट किया जाता है ताकि बाद में उन पे एक्शन लिया जाए आफ्टर टेकिंग परमिट ऑफ शटडाउन फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. वेरियस पॉइंट्स विच आर टू बी नोटेड ड्यूरिंग पेट्रोलिंग एंड विजुअल इंस्पेक्शन आर एज फॉलोज. जो पॉइंट्स हम नोट करते हैं विजुअल इंस्पेक्शन या पेट्रोलिंग के दौरान वो कौन से हैं. पहला है जैसे हॉट पॉइंट डिटेक्शन. हॉट पॉइंट डिटेक्शन हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए थर्मोविजन कैमरा. हॉट पॉइंट्स बनते हैं एट द जॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर. ड्यू टू द लूजनिंग ऑफ द कंडक्टर वहाँ पे हॉट पॉइंट्स बन जाते हैं. वो डिटेक्ट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ए थर्मोविजन कैमरा. आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं इट इज़ अ थर्मोविजन कैमरा. थर्मोविजन कैमरा और जो इमेजेस बनती हैं इस पर वो कुछ इस प्रकार होती हैं जो कि हॉटस्पॉट को डिटेक्ट कर लेती हैं. और जो आप स्क्रीन पे एक नंबर देख रहे हैं डैट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द हॉटस्पॉट. जो दूसरा मेथड है अगर थर्मोविजन कैमरा से हम हॉट पॉइंट डिटेक्ट नहीं कर रहे जो दूसरा मेथड है वो है पेट्रोलिंग ऑफ ओवरहेड लाइंस ड्यूरिंग नाइट सो डैट हॉट पॉइंट्स कैन बी डिटेक्टेड विजुअली. देन सेकेंड वन इज इंस्पेक्शन ऑफ डिस्क इंसुलेटर्स. डिस्क इंसुलेटर्स हम यूज करते हैं टू प्रोवाइड इंसुलेशन बिटवीन कंडक्टर एंड द टावर्स. तो विद द हेल्प ऑफ बायनोकुलर्स वी कैन डिटेक्ट एनी पंचरिंग और एनी क्रैक इन द डिस्क. इट शुड बी रेक्टिफाइड एट द अर्लीस्ट अगर कोई भी क्रैक वहाँ पर पाया जाता है. आप पिक्चर में एक हेल्दी डिस्क देख रहे हैं और दिस वन इज द पंचरिंग डिस्क. देन थर्ड वन इज द लूजनिंग ऑफ सैक. एक स्टैंडर्ड क्लियरेंस होनी चाहिए बिटवीन द कंडक्टर्स. दो कंडक्टर्स के बीच में क्लियरेंस होनी चाहिए बिटवीन द कंडक्टर एंड द ग्राउंड. अगर कोई भी लूजनिंग होती है किसी कंडक्टर की तो उसमें सैक बन जाता है जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा तो इट शुड बी रिकॉर्डेड एंड विल बी रेक्टिफाइड. तो आप यहाँ पर पिक्चर में दिस वन इज सैक. फिर है प्री कटिंग. अब एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए विद इन द प्रिस्क्राइब्ड वैल्यूज डिस्टेंस बिटवीन द ट्रीज एंड द ट्रांसमिशन लाइंस. अगर वो डिस्टेंस कम होता है ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द ट्रीज तो वो इट शुड बी टेकन इन टू अकाउंट फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर क्लियरेंस. देन इज द ओवर हीटिंग ऑफ द कंडक्टर्स. ड्यू टू द ओवरलोडिंग अगर ट्रांसमिशन लाइन पे किसी भी तरह की ओवरलोडिंग होती है तो उसकी वजह से हॉट स्पॉट्स बन जाएंगे कंडक्टर में और वो इट मे लीड टू द ब्रेकडाउन ऑफ द कंडक्टर ऑल्सो. सो इट शुड बी रेक्टिफाइड एज अर्ली एज पॉसिबल. आप पिक्चर में देख रहे हैं दीज आर द फेज इंडिकेटर्स. ये इसलिए लगाए जाते हैं हर फेज पे जैसे बिटवीन द वन स्पैन यू कैन से कि हम इनको हर एक फेज पे लगा देते हैं येलो ब्लू और रेड है यहाँ पे ताकि जब हम कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं कि इस फेज में फॉल्ट है जब हम उसको रेक्टिफाई करना होगा तो देयर शुड नॉट बी एनी डाउट कि वो किस फेज में था फॉल्ट. तो दीज आर द फेज इंडिकेटर्स. देन इन द इंस्पेक्शन ऑफ अर्थ वायर. अर्थ वायर टॉप ऑफ द टावर बिटवीन द टू स्पैन्स यू कैन से बिटवीन द स्पैन ऑफ टू टावर्स इट इज़ रनिंग एट द टॉप. ये बचाती है हमारे जो कंडक्टर्स हैं जहाँ टावर्स को फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक्स. बिल्कुल टॉप पे ये रन होती है और ये किसी भी इंसुलेटर से कनेक्टेड नहीं होती. इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द टावर्स. तो ड्यूरिंग इंस्पेक्शन वी शुड मेक श्योर डैट कि वो कंटिन्यूसली रन कर रही है एट द टॉप ऑफ द टावर विदाउट एनी ब्रेकेज. और ये अर्थ की जाती है हर टावर पे. देन इज द बेस ऑफ द टावर. ड्यूरिंग इंस्पेक्शन द बेस ऑफ द टावर का जो हम इंस्पेक्शन करते हैं द फाउंडेशन शुड बी हेल्दी. इट शुड बी क्रैक फ्री. तो इन द पिक्चर आप देख सकते हैं कि दीज आर क्रैक्स इन द बेस ऑफ द टावर. इट शुड बी रेक्टिफाइड.
देन इज़ द इंस्पेक्शन ऑफ एंटी क्लाइंबिंग वायर, जिसको हम बार्ब्ड वायर भी कहते हैं, ताकि कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन उस पर क्लाइंब ना कर पाए हमारे ट्रांसमिशन टावर पे. तो इट्स इंस्पेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. देन इज़ द गार्ड वायर एट द क्रॉसिंग ऑफ रोड्स. जब भी ट्रांसमिशन लाइन किसी रोड को क्रॉस करती है तो ये इन द फॉर्म ऑफ ए क्रैडल, दिस इज द गार्ड वायर इन द फॉर्म ऑफ अ क्रैडल एट द लोअर पार्ट ऑफ दीज कंडक्टर्स. हम इसको दोनों साइड से एक वायर से ज्वाइन करते हैं ताकि अगर कोई भी ब्रेकेज आता है कंडक्टर में वो सीधा जाके रोड पे ना गिरे. इट शुड फॉल इनटू दीज गार्ड वायर्स. तो इसका इंस्पेक्शन भी जरूरी, दैट दे शुड बी इंटैक्ट. देन इज डेंजर प्लेट एंड टावर नंबर. इंस्पेक्शन के दौरान वी शुड मेक श्योर कि हर एक टावर पे डेंजर प्लेट लगी हुई है और हर एक टावर को एक पर्टिकुलर नंबर दिया हुआ है. थैंक यू.